हेलो फ्रेंड्स, आर्यम इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का मैं उमेश मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम नरेशन के टॉपिक पर एक बार फिर से चर्चा करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं और अब तक आप लोगों ने जो नरेशन पढ़ा है उसके आगे का जो पार्ट है उसके बारे में आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे और हम आशा करते हैं कि पिछले पार्ट्स को आप लोगों ने सभी लोगों ने देख लिया है और अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो नरेशन के पिछले पार्ट को देखें और उसके बाद इस पार्ट को देखें तब उनको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो मित्रों, अब तक असर्टिव सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा और असर्टिव सेंटेंस के लगभग सभी रूल्स को हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रवेश कर चुके हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले भाग पहले रूल्स के बारे में हमने समझा कि अगर वाक्य की शुरुआत अगर सहायक क्रिया से होती है तो ऐसे वाक्यों में हम इफ या वेदर को कंजक्शन के तौर पर रखते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क आस्क से या आस्क्ड में बदलते हैं। आशा करता हूं कि इतना आप सभी लोगों ने तैयार कर रखा है। अब अगले रूल्स में अगर हम जब जाते हैं तो यहां पर अगर वाक्य, मैंने आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का बताया था, एक यस नो आंसर, एक डब्ल्यू एच टाइप। तो यस नो आंसर को हमने समझ लिया है, हम डब्ल्यू एच टाइप के पास चलते हैं। तो डब्ल्यू एच टाइप जो होता है वो एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी शुरुआत हमेशा प्रश्नवाचक शब्द से होती है। अगर नरेशन में ऐसे वाक्य आपको हल करने के लिए मिलते हैं कि जिसमें से रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वह हेल्पिंग वर्ब से न शुरू होकर अगर वह क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो ऐसे स्थानों पर हम कोई विशेष परिवर्तन नहीं करते, सिर्फ कंजक्शन शब्द उसी प्रश्नवाचक शब्द को बना देते हैं और बाकी जितने रूल्स को हमने यस नो आंसर टाइप में फेस किया है एंड दोज रूल्स विल आल्सो बी अप्लाइड हियर टू। जैसे फॉर एग्जांपल, मदन सेड टू रीता, वेयर डिड माई ब्रदर लीव। मदन सेड टू रीता, वेयर डिड माई ब्रदर लीव। अब मदन सेड टू का हम आस्क्ड करते हैं, ये आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है। मदन आस्क्ड रीता, डबल इन्वर्टेड कामा हटा दैट, यहां तक आया। अब इसके पहले हम क्या करते थे कि यहां पर, सॉरी दोस्तों, यहां पर दैट का प्रयोग नहीं होगा बल्कि कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि अगर वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो उसी को हम कंजक्शन बनाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन में नहीं किया जाता है। अब ये कंजक्शन हुआ, कंजक्शन के बाद मित्रों हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब हमको समझना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें है माई ब्रदर, जिसमें से माई एक पर्सन है और यह फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा और सब्जेक्ट है मदन। मदन का मतलब कि वही सिमिलर नंबर, थर्ड पर्सन मेल, मतलब मेल है, मस्कुलिन जेंडर है, तो इसका मतलब कि माई ये ही बनेगा और ही ये पॉसेसिव में है तो ही का पॉसेसिव हो जाएगा हिज। अब ब्रदर, हिज ब्रदर लीव, ये डिड है मित्रों, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए हम सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे और क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। एक बात और ध्यान रखना है कि हम यहां पर प्रश्नवाचक शब्द, जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क जो लगाते हैं, हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग इनडायरेक्ट में नहीं करते। अगले रूल्स को देखते हैं, माय टीचर सेड टू माय ब्रदर, व्हाई
वाज द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, फ्लाइंग इन द स्काई टूडे. माई ब्रदर, माई टीचर सेड टू माई ब्रदर, वाई वॉज द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई टूडे. अब इसको परिवर्तित करते समय हम कर्ता का प्रयोग पहले करेंगे स्टूडेंट्स, तो कर्ता यहां आया माई टीचर, सेड टू को हम आज करने बदलेंगे और उसके बाद माई ब्रदर आया. और इसके अलावा हम रिपोर्टिंग स्पीच में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, मात्र सेड टू इसमें परिवर्तन करते हैं. और ये हुआ केशन वर्ड, इसी को हम कंजक्शन बनाएंगे. जैसा कि आप जानते हैं वाई अब आवश्यकता है कर्ता की, तो हम रखेंगे यहां पर पहले कर्ता. और ये वाज और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आने का मतलब है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है. और आप जानते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं, जिसकी सहायक क्रिया होती है हैड बीन. तो हम यहां पर रखेंगे क्या, हैड बीन. और उसके साथ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी क्रिया के पहले फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, इन द स्काई टूडे का दैट डे, जो एक युग युगांतर की परंपरा है. आई हैव टोल्ड यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल ड्यूरिंग द चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच आई हैव टोल्ड यू अबाउट टूडे विल बी चेंज्ड इनटू दैट डे. अगले रूल्स की तरफ चलते हैं, अगले एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं मित्रों. जैसे सीमा सेड टू रमेश, विच बुक हैव यू बॉट, हैव यू बॉट नाउ, विच बुक हैव यू बॉट नाउ. अब इसको चेंज करने चलते हैं, तो सीमा सेड टू का हो जाएगा जैसा कि आप जानते हैं आस्क्ड, और उसके बाद हुआ क्या रमेश. अब यही कंजक्शन का कार्य करेगा, विच इसके साथ जुड़ा हुआ होगा बुक, विच बुक. अब कर्ता आएगा यू, यू मतलब रमेश से बदलेगा, रमेश मतलब ही, और यू सब्जेक्टिव केस में रमेश का सब्जेक्टिव ही हो जाएगा. हैव, हैव को हम बदल कर देंगे हैड. अब बाट ऑलरेडी तीसरी अवस्था है, तो यहां पर इसकी तीसरी अवस्था यहीं पर होगी. और नाव को हम परिवर्तित कर देंगे देन में, नाव को परिवर्तित करके देन बनाया जाता है. और एक दो एग्जांपल और देखते हैं. माय फादर said it to me when will you start your study in front of me. My father said to me, when will you start your study in front of me. To ab my father said to ka hua asked, my father asked me, when hua conjunction, when you second person me se badalega, to uska subjective me ka subjective hoga I, will ka ho jayega would, वेल का हो जाएगा वुड, या आई है कर्ता तो इसको हम परिवर्तित करेंगे, आई के साथ सैल का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ सुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि ये ज्यादा बेहतर मतलब माना जाता है. और जबकि अगर हम वुड का भी प्रयोग कर देते हैं तो आधुनिक अंग्रेजी के अनुसार यहाँ पर वुड भी हो सकता है, और जबकि हम सुड का भी प्रयोग कर सकते हैं. When should, when I should start
When I should start, your second person फिर me से बदला है, your possessive में me का possessive my, my study in front of me, first person my father से बदलेगा, तो यहां पर me possessive के मतलब objective केस में है, तो my father मतलब he माना जाएगा दोस्तों, और जब he होगा तो he का objective जो होगा यहां पर आ जाएगा क्या, यहां पर हो जाएगा he का objective him, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है और आप इसके बारे में पहले से ही परिचित हैं। तो मुझे आशा है कि आप इस प्रकार की सेंटेंसेज बनाएंगे और बनाकर हल करेंगे, कहीं से भी एग्जाम्पल को आप पिकअप करिए, उसको सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक विशेष एक अलग अगले रूल्स में हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो अगले रूल्स में मित्रों, अगर कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं कि जहां पर जब हम फिर से एक बार अगर जाते हैं यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन से अगर हमको किसी प्रकार से एक विकल्प का बोध मिलता है, किसी चीज को चुनने का बोध मिलता है, तो वहां पर उसको हम जब इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं, तो इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना है बंधुओं, कि जब अगर वाक्य से किसी प्रकार से चुनने का बोध हो जाए, किसी चीज को विकल्प का अगर वहां पर बोध हो जाए, और वह वाक्य जो है वह वाक्य अगर यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत अगर वह वाक्य आता है, तो वहां पर जब हम कंजक्शन जहां हम इफ या वेदर का प्रयोग करते थे की कर चुके हैं, वहां पर हम इफ का प्रयोग न करके सिर्फ वहां वेदर का प्रयोग अधिक अच्छा माना जाता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे माई फादर सेड टू हिज फ्रेंड, माई फादर सेड टू हिज फ्रेंड, Will you talk to me or not? Will you talk to me or not? मेरे पिताजी ने अपने मित्र से कहा, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, आप चाय पियेंगे या नहीं? मतलब चाय में यहां पर एक विकल्प का बोध दिया गया है, आप चाय पी भी सकते हैं और ये मना भी कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का अगर ऐसा सेंटेंस आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है, अगर इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस अगर आप पाते हैं जहां से विकल्प का बोध हो मित्रों, तो वहां पर आपको कोई परेशानी नहीं देखना है। यहां पर जहां कंजक्शन के तौर पर आप इफ का प्रयोग करते थे, वहां पर आप यहां वेदर का प्रयोग करेंगे बस, एंड देयर वुड बी नॉट एनीथिंग मोर देन दैट। जैसे माई फादर सेड टू को मैंने बनाया आस्क्ड, माई फादर आस्क्ड हिज फ्रेंड, My father asked his friend। अब यही की व्यवस्था है जहां हम वेदर या इफ में से कोई एक चुन कर रख देते थे, अगर विकल्प का बोध होता है, अगर किसी चीज को चुनने का अगर बोध होता है, तो वहां पर हम वेदर का प्रयोग करेंगे न कि इफ का। तो वेदर यू सेकेंड पर्सन हिज फ्रेंड से बदलेगा, हिज फ्रेंड मतलब कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जिसको ही माना जाएगा, अब चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर माई फादर भी हैं और हिज फ्रेंड भी हैं, तो यहां पर इसके लिए यहां पर किसी प्रकार की कोई विसंगति न उत्पन्न हो, इसलिए आप यहां पर जिस शब्द से जिस सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से आपने उसे चेंज किया है, उसको वहां पर आप छोटे कोष्टक में ही आप वहां पर उसे सो करिए, दिखाइए। हिज फ्रेंड विल को हम वुड बना देंगे, वुड टॉक टू मी आर नॉट, टॉक टू मी आर नॉट। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस अगर एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, जैसे द ड्राइवर
said to the passengers. The driver said to the passengers, "Have you taken food or not here? Have you taken food or not here?" अब the driver said to का हुआ मित्रों asked, the passenger, passengers. अब फिर से यहां whether का प्रयोग हुआ, whether, अब यू पैसेंजर्स से बदलेगा। यहां पर आप देख रहे हैं पैसेंजर्स का मतलब बहुवचन और बहुवचन का मतलब थर्ड पर्सन में बहुवचन दे होता है, तो ये सब्जेक्टिव केस भी है, तो यहां पर हम बेधड़क दे का प्रयोग कर देंगे। हैव का यहां हैड हो जाएगा और टेकन फूड आर नॉट हियर का आप जानते हैं हियर का होता है देयर, हियर का क्या होता है देयर। अब आशा करता हूं आपको यह रूल्स भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम एक रूल्स इसी में और देखते हैं, जैसे बताते हैं अगर वाक्य में यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है, वाक्य में अगर यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है और उस यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर भी वहां पर मतलब आंसर भी दिया जाता है और उसका उत्तर वहां पर यस या नो में दिया गया हो, एक एग्जांपल रखते हैं फिर आपको बताते हैं। जैसे माय मदर सेड टू मी, Will you eat food? I said no. My mother said to me, Will you eat food? I said no. आप देखिए इस वाक्य को देखिए, एक अच्छे मजेदार वाक्य को देखिए कि मेरी माता जी ने कहा कि क्या तुम चाय पियोगे, ईट फूड खाना खाओगे, मेरी माता जी ने कहा क्या तुम खाना खाओगे और मैंने कह दिया नहीं, मतलब मैंने उसका उत्तर भी वहां पर दे दिया। तो ऐसे वाक्यों को सॉल्व करते समय मित्रों हम दो प्रकार से इस वाक्य को हल कर सकते हैं। जैसे कि इस वाक्य को आपको हल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है क्योंकि आप इससे पहले इसके रूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे My mother, ये हुआ my mother asked me। अब यहां पर प्रयोग हुआ इफ या वेदर में से कोई भी एक प्रयोग कर दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि जब दो में से एक को चुनने विकल्प का बोध हो तब वहां पर आपको वेदर का प्रयोग करना आपकी वहां बाध्यता हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ ना हो तो आप वहां पर चाहे इफ रख देंगे और चाहे वेदर रख देंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहां पर इफ कंजक्शन रखा गया, यहां अब यू जो है यू यह एक सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, एंड हियर ऑब्जेक्ट इज मी, तो मी के अनुसार बदला जाएगा, तो ये सब्जेक्टिव केस में है, मी का सब्जेक्टिव आई हो जाएगा, विल का आप वुड कर सकते हैं, शुड भी कर सकते हैं, तो आई शुड ईट फूड। अब यहां पर जब हम परिवर्तन करने के लिए तैयार होते हैं आई सेड नो को, अगर ऐसे वाक्य को हम परिवर्तित करने के लिए तैयार होते हैं तो यहां पर हम इसे दो प्रकार से हम इसको उत्तर इसका उत्तर दे सकते हैं, मतलब इसको सॉल्व दो प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रकार में तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं एंड आई रिप्लाइड इन निगेटिव, एंड आई रिप्लाइड इन निगेटिव, मतलब मैंने नकारात्मक में उत्तर दिया। अगर यहां यस होता तो मैं यहां कह देता एंड आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव,
आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव, या इसी पूरे वाक्य को हल करने के बाद, जैसे माई मदर आस्क्ड मी इफ, पूरा जिस प्रकार से ऊपर परिवर्तित किया गया है ठीक उसी प्रकार से हम परिवर्तित कर देंगे और यहाँ पर कह देंगे एंड आई रिप्लाइड, और मैंने उत्तर दिया दैट कि, एंड आई रिप्लाइड दैट, और मैंने उत्तर दिया कि सॉरी दोस्तों, और मैंने उत्तर दिया कि, मतलब नहीं, नहीं का मतलब कि मैं नहीं खाऊंगा, इसका मतलब एंड आई रिप्लाइड दैट आई शुड नॉट, एंड आई रिप्लाइड दैट आई शुड नॉट, बस इतना कर देंगे काम हो जाएगा। अगर वहां यस है तो हम कहेंगे एंड आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव, या कह देंगे एंड आई रिप्लाइड दैट आई वुड, आई शुड, या जो भी होगा, जो भी सहायक क्रिया यहाँ की होगी उसी सहायक क्रिया को रखेंगे, और उस सहायक क्रिया को रखने के बाद वहां पर हम अगर निगेटिव है तो वहां पर निगेटिव वर्ड रख देंगे, अगर वह पॉजिटिव है तो शब्द को नहीं रखेंगे। जैसे पॉजिटिव का भी हम देखते हैं, पॉजिटिव में एक माई टीचर सेड टू मी हैव यू लर्नड योर लेसन, हैव यू लर्नड योर लेसन, आई सेड यस, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा कि हैव यू लर्नड योर लेसन, आई सेड यस, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा कि क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, और मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पर हाँ का मतलब मैंने पॉजिटिव उत्तर दिया है मित्रों, माई टीचर सेड टू को मैंने बनाया आस्क्ड, माई टीचर आस्क्ड मी इफ या वेदर वी कैन यूज वन ऑफ बोथ ऑफ देम, हम उन दोनों में से एक का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, यू मतलब यहाँ मी से बदलेगा और मी का सब्जेक्टिव आई हो जाएगा, हैव का यहाँ होगा हैड, और उसके बाद आया लर्नड, योर सेकंड पर्सन फिर इसी से बदलेगा, इसका मी का पॉसेसिव जो होगा वह मी का पॉसेसिव होगा माई, आई हैड लर्नड माई लेसन, और उसके बाद एंड I replied in, या तो हम कर देंगे पॉजिटिव, या हम कर सकते हैं अफर्मेटिव, कुछ भी कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव। पॉजिटिव का मतलब भी होता है, पॉजिटिव का मतलब एक सकारात्मक, और अफर्मेटिव का मतलब भी होता है पूरी तरह साधारण, एक सकारात्मक, और या इसी वाक्य को एज वी हैव यूज्ड दैट इन अदर रूल इन दिस सेंटेंस, सेम रूल्स वी कैन यूज हियर टू, एज माई टीचर आस्क्ड मी इफ या वेदर, अब यही उतार देते हैं, मतलब किसको हल जैसे इसको किया है उसी प्रकार से हल करेंगे, आई हैड लर्नड माई लेसन एंड आई रिप्लाइड दैट, एंड आई रिप्लाइड दैट आई हैड, क्या तुमने अपना पाठ याद किया है, मैंने कहा हाँ, मेरे अध्यापक ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने अपना पाठ याद किया है, और मैंने सकारात्मक में उत्तर दिया, या मैंने उन्हें उत्तर दिया कि हाँ मैंने किया है, ऐसा मैंने किया है, सेम आई हैव डन, सच आई हैव परफॉर्म्ड माई ड्यूटी। ये था मित्रों आपका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
दो सेंटेंसेज अब तक हम नरेशन में पढ़ चुके हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका यहीं पर समाप्त होता है, इसको आप जानते रहिए। और इसमें से जो रूल्स एक तो हम बता भी नहीं रहे हैं, तो उसको पूरा नरेशन खत्म होने के बाद अंत में कुछ जो विशेष रूल्स होते हैं नरेशन के अंतर्गत, वे विशेष रूल्स आपको बाद में बताए जाएंगे, जिनके कुछ विशेष रूल्स होंगे जब हम पूरे सेंटेंस में हम परिवर्तित करेंगे। हम हल्का सा यहीं पर इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। जो तीसरा सेंटेंस बनता है वह तीसरा सेंटेंस इंपरेटिव, IMPERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने पहले ही मैं बता चुका हूं। इंपरेटिव सेंटेंस जब मैंने शुरुआत किया था तभी सभी सेंटेंसेस के बारे में बता दिया था, लेकिन यहां पर हम एक बार फिर से रिपीट करना पसंद करेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आज्ञा सूचक वाक्य, और आज्ञा सूचक वाक्य का मतलब कि एक ऐसा वाक्य जहां से हम आज्ञा, सलाह या निवेदन का अगर बोध करते हैं तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस है यहां नरेशन के दृष्टिकोण से, तो इसलिए आप असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप तैयार रखिए। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में आप जानेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इस प्रकार से अपनी पढ़ाई, अपनी पठन पाठन को अपने घर पर एकदम पूरी तरह तैयार रखिए और हमेशा पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।